आप? हाँ, तुम्हारे कमरे में गई थी, नहीं मिले तो यहाँ आ गई। खैर छोड़ो, मुझे एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। प्लीज अमीन, मुझसे मेरी शादी के हवाले से कोई बात। अरे तुम्हारी शादी की बात नहीं कर रही, मैं सबा की शादी की बात कर रही। सबा की? लेकिन अमी वो बहुत छोटी है, अभी तो बच्ची है। कोई बच्ची बच्ची नहीं है, वो उम्र हो गई है उसकी शादी की। खैर तुम छोड़ो, वो जो तुम्हारा आज दोस्त आया था ना, जरा पता तो करो, कहीं बातचीत चल रही है उसकी या कहीं पक्की हो गई ये बात। अमी जहां तक मैं जानता हूं उसका ऐसा कोई सिलसिला है नहीं, अभी तो अपनी बहन की शादी से फारिग हुआ है। मेरा ख्याल है अभी तो उसने अपनी शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। लेकिन आप इस तरह क्यों इन्वेस्टिगेट करें? अरे बुद्धू, मुझे सबा के लिए वो लड़का पसंद आ गया है। तुम एक काम करो, उसके पेरेंट्स से मुझे मिलवाओ। मैं जुनेद तो बहुत अच्छा और डिसेंट लड़का है, लेकिन उसकी फैमिली में सिर्फ फादर है, उसकी वालदा नहीं है। ओह चलो, वैसे एक तरह से ये अच्छी बात है, छोटा ससुराल हो ना तो लड़कियां सुकून में रहे। तुम एक काम करो, मुझे लेकर चलो वहां पे, अपने दोस्त को इन्फॉर्म कर दो। अभी ऐसी भी क्या इमरजेंसी है, कोई बात हुई क्या? तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, जासूस बनने की जरूरत नहीं है, समझे? तू क्या समझी थी? दरवाजे को अंदर से बंद कर लेगी तो मेरा रास्ता रोक लेगी। अरे मेरी जान, मैं तो हवा हूं, हवा, और हवा कहीं से भी आ सकती है। बोल। अम्मा, अम्मा। कोई फायदा नहीं, इन सबको मैंने दूध में नींद की गोलियां डालकर सुला दिया है, कल दोपहर से पहले नहीं उठेंगी ये। मजरी अम्मा, आके खोले, अम्मा उठे। कुछ नहीं होगा, चल छोड़ो, तू मेरे साथ चल। तू क्या समझी थी? मेरा रास्ता रोक लेगी? चल मेरे साथ। अम्मा, अम्मा, चल मेरे साथ। अम्मा, तू चल। अम्मा, बचाओ, मेरा हाथ से। छोड़ मेरा। बात बंद कर। चल मेरे साथ। कोई नहीं कर सकता। बंद कर। चुप बिल्कुल। अब अगर एक बार और आवाज निकाली ना तो तेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, गला घोट कर, समझी? चुप बिल्कुल और चल मेरे साथ, चुपचाप चल, चल इधर, बंद कर अपनी बकवास, बंद कर। कोई तेरी मदद को यहाँ नहीं आएगा, समझी? कोई नहीं आएगा। कुछ नहीं, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हो ना, ठीक हो ना, अभी नहीं।